हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर टॉपिक देख लिया होगा। अब हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स है क्या? सारी कंट्रीज को क्या किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है या एक सीक्वेंस दे दिया जाता है जिसमें कि जैसे कि फर्स्ट लाइन पर कौन है आपका, फर्स्ट में है आपका फिनलैंड। मीन्स दुनिया का जो हैप्पीएस्ट या सबसे खुशहाल देश हम कहें तो वो फिनलैंड को इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग माना गया है। और सबसे लास्ट में आपका है अफगानिस्तान। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब क्या है कि इसी से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं और उसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के अंदर ही इसको लिया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये भूटान से प्रारंभ हुआ था। तो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा जो देश है इसमें, बस आपको दो याद रखने, वो है आप लोगों का डेनमार्क। पहला है आपका फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क और अफगानिस्तान। अब बात आती है कि इंडिया की, इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है। अब देखिए, जब पिछली बार हमने देखा था तो पाकिस्तान से भी नीचे इंडिया को रखा गया था। इसीलिए ये जो इंडेक्स है इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली, बट क्योंकि ये हमारा टॉपिक है और इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो हमें इसे याद करना है। इंडिया की अभी जो रैंक है, जो पिछली रैंक थी वो कितनी थी, 136 थी 22 में। ठीक है, पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया था। अभी कौन सी है, 126 रखा गया है। और इसमें आप अगर क्राइटेरिया देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इंडेक्स में मैं खुद विश्वास नहीं करता हूं। आय की बात की जाती है, भूटान को हमसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, जो बांग्लादेश है, नेपाल, इवन नेपाल को हमसे ऊपर रखा गया है। नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका को ऊपर रखा गया है। अब श्रीलंका आप देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए स्वस्थ जीवन का आय, इसमें जो कारक हैं या फैक्टर्स हैं जिनको लेकर इसे मापा जाता है वो आप लोग देख लीजिए। खुशहाली मापने के जो मानक बनाए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा, विश्वास, इसमें जो सामाजिक सुरक्षा है इसमें परेशानी में कोई सहयोग मिलता है या नहीं, विश्वास, सरकार और निजी कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर, तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चीज है, आजादी, फैसले लेने की स्वतंत्रता और उदारता, तो इतनी चीजों को लेकर इसको मापा जाता है। अब बात करते हैं कि इसे करता कौन है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जो है इसे शॉर्ट में बोला जाता है SDSN। SDSN इंग्लिश में बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए, सस्टेनेबल सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास। अब देखिए, सतत विकास अगर आप लोगों को नहीं पता, जिसको नहीं पता, सतत विकास का मतलब ये होता है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही बाकी पहलुओं को भी ध्यान रख रहे हैं। इसके सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसको आप लोगों को याद रखना है। और किसके अंडर में, ये आपका संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल है और इसके द्वारा ये जो बनाई जाती है हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, SDSN के द्वारा बनाई जाती है। तो होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, अभी जो है 126 पे रखा गया है और हमसे ऊपर नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी रखा गया। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जो SDI एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी समावेशी विकास में वृद्धि होती है। अब समावेशी जो विकास है, समावेशी विकास की जो संकल्पना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें गरीब और पिछड़े लोगों को, जो वंचित लोग हैं उनके विकास को, उनको विकास करना, उन्होंने मुख्य धारा में उनको जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो है आप लोगों का समान वितरण। जो भी विकास होगा, आर्थिक विकास से उत्पन्न जो भी लाभ होगा उसे क्या किया जाएगा, समान वितरण। तो हम पहली चीज क्या है कि जो लोग हैं उन्हें मुख्य धारा तक लाना, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है जो लाभ है, जो लाभ है उसका समान वितरण इसमें दिया जाता है। तो ये ऑप्शंस में कई बार दिए जाते हैं चूज करने के लिए ये सारी चीजें, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। तीसरा, अगर हम समावेशी विकास का एक क्वेश्चन आ जाए कि जो समावेशी विकास है ये अवधारणा इंडिया में कब इसको लागू किया गया, तो ये 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें
इस आइडिया को लिया गया था। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। और इससे जो समावेशी विकास होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो इसमें कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की जाए, लोगों के लिए रोजगार बनाया जाए, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। इससे पहले हम काफी सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। अब मनी एंड बैंकिंग जैसे, तो हम ऑलरेडी ये बैंक रेट वगैरह को हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमारा आज का टॉपिक था, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।